नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में गाड़ी चलाना और खाना बनाना हुआ महंगा। मनोज वाजपेयी के पिता ने दुनिया को कहा अलविदा। चकबंदी के लिए बिहार में होगी नई व्यवस्था। बालू घाटों की बंदोबस्ती 6 अक्टूबर से होगी शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गाड़ी चलाना और खाना बनाना हुआ महंगा। बिहार में गाड़ी चलाना और खाना बनाना महंगा होने वाला है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से पटना में लागू हो गई है, जिसके तहत अब CNG 63.90 रुपए प्रति किलो की जगह अब 65.90 रुपए प्रति किलो पटना स्थित CNG स्टेशन पर मिलेगी। इसी तरह घरों में पहुंचने वाली PNG की आपूर्ति कीमत 30.60 रुपए प्रति घन मीटर की जगह अब 31.60 रुपए प्रति घन मीटर मिलेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे स्वाति शर्मा की। स्वाति शर्मा का जन्म आज ही के दिन साल 1994 में हुआ था। स्वाति शर्मा एक भारतीय गायिका है। वो तनुवेत्स मनु रिटर्न के अपने लोकप्रिय गीत बन्नो तेरा स्वैगर के लिए जानी जाती है, जो आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म है। वो बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले संगीत के निर्माण के लिए भी उल्लेखनीय है। 2017 में वो आईफिल टावर में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। शर्मा का जन्म उत्तर पूर्व भारत में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनके पिता मार्केटिंग का काम करते थे, जबकि उनकी माँ एक गृहिणी थी। शर्मा का परिवार राजस्थान के सीकर में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है और यह राजस्थानी विरासत है जो संगीत उद्योग में उनके बाद के कुछ कामों को प्रेरित करेगी। चकबंदी के लिए बिहार में होगी नई व्यवस्था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के चकबंदी में कानून में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके अनुसार गांव में सलाहकार समितियों का स्वरूप पहले से बदल जाएगा, जिसके तहत जहां पहले गांव के सलाहकार समितियों का स्वरूप पहले से बदलेगा, वहीं गांव की सलाहकार समितियों का गठन चकबंदी पदाधिकारी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहले चकबंदी अधिकारी की मर्जी से गांव की ग्रामीण समिति के सदस्य चुने जाते थे, लेकिन संशोधन के बाद पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति के सदस्य ही अपने गांव की चकबंदी सलाहकार समितियों के सदस्य होंगे। चकबंदी सलाहकार समिति की सलाह जरूर होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में चकबंदी निदेशालय ने चकबंदी एक्ट में कई संशोधन किए हैं। इसके प्रस्ताव पर विधि विभाग की सहमति ली जा चुकी है। बंदोबस्ती 6 अक्टूबर से होगी शुरू। बिहार के 8 जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 दिन पहले नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए खनन विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद कैबिनेट का फैसला विभाग के पदाधिकारियों तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण घाटों की नीलामी में देरी हो गई। जिसके बाद अब सबसे अधिक राजस्व देने की बोली लगाने वालों के नाम पर बालू खनन के लिए घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। इस बाबत विभाग ई निविदा के माध्यम से बालू घाटों की नीलामी करेगा। इसकी जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दे दी है। इसके लिए आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है। प्रदेश में बारिश को लेकर एक बार फिर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में चक्रवातीय सर्कुलेशन के समुद्री तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैलाव को इस बारिश की वजह बताया जा रहा है। बिहार में लगातार पोस्ट मानसून का सिस्टम एक्टिव है और मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। पोस्ट मानसून की वजह से एक बार फिर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज हवा के साथ मध्यम से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बताया गया है कि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 125 करोड़ में बनेंगे PU के नए भवन। पटना विश्वविद्यालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर खड़ा होने वाले और NAC में A+ ग्रेडिंग के साथ ही राष्ट्रीय रैंकिंग में जगह बनाने के लिए अपने को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इसके लिए 125 करोड़ रुपए से विश्वविद्यालय की नई भवन, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग और खूबसूरत कैंपस बनाया जाएगा, जिसके बाद अब एकेडमिक भवन में सभी PG विभाग चलेंगे। जल्द ही यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही यह प्रस्ताव पहले चरण में शिक्षा मंत्री द्वारा एक योजना की शुरुआत जल्द होगी और दूसरे चरण में दूसरा भवन बनेगा। इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को लेकर शिक्षा विभाग की चिट्ठी भी मिल गई है। बिहार के शहरों में लोगों को नहीं परेशान करेगी कचरे की बदबू। बिहार के शहरों में लोगों को अब कचरे की बदबू परेशान नहीं करने वाली है, क्योंकि अब बिहार के सभी शहरी निकायों में कूड़ा डंपिंग पॉइंट शहर के बाहर होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में पहल और तेज कर दी है, जिसको लेकर फिलहाल 142 पुराने शहरी निकायों में 50% में कूड़ा डंपिंग पॉइंट के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। जिन निकायों में जमीन अभी तक चिन्हित नहीं हो पाई है, वहां के जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहरी निकायों में कूड़ा निस्तारण में सबसे बड़ी बाधा जमीन को लेकर के आ रही थी। कई शहरी निकायों में एक जगह जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण शहर के अंदर ही जहां तहां कूड़ा संग्रहण किया जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही शहर के बाहर जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों को 3 बार मिलेगी वित्तीय प्रोन्नति। बिहार के प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को लेकर मंत्रिपरिषद ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से अब प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर को लिए गए इस निर्णय के अनुसार अब इन शिक्षकों को 10 साल, 20 साल और 30 साल पर वित्तीय प्रोन्नति दी जाएगी। इससे पहले की व्यवस्था में इन शिक्षकों को ये लाभ क्रमशः 12 साल और 24 साल पर 2 बार ही मिलता था। इसके तहत 1 जनवरी 2009 से वैचारिक लाभ तथा 1 अप्रैल 2010 से आर्थिक लाभ देय होगा। बताते चले कि इस फैसले के बाद अब शिक्षकों को आर्थिक सहायता 10 साल के अंतराल पर 3 बार मिलेगी, जिससे बिहार के हजारों शिक्षकों को फायदा मिलेगा। राजगीर और बोधगया जुड़ेंगे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से। राज्य में रामायण सर्किट को जोड़ने वाले पथ आमस दरभंगा से वैशाली राजगीर बोधगया को भी जोड़ दिया जाएगा। इस कार्य को 3 चरणों में किया जाएगा। इस बात की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है। ये रामायण सर्किट का अभिन्न हिस्सा बनेंगे। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया है कि रामायण सर्किट पथ 1 से 1.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी सड़कों और पुलों की मरम्मत कराकर इन्हें हर तरह से सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनकी देखभाल के लिए विभागीय स्तर पर खासतौर से ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पटना रांची सड़क पर 3रे चरण का काम तेजी से चल रहा है। अब केन्या के वेंकटेश्वर मंदिर में भी मिलेगा महावीर मंदिर का नैवेद्यम। आप में से बहुत से लोगों को महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डू बेहद ही पसंद आता होगा। इसका स्वाद चखने के लिए आपको हर बार महावीर मंदिर ही आना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब महावीर मंदिर का सुप्रसिद्ध नैवेद्यम बनाने वाली टीम के प्रमुख आर श्रेष्ठादी केन्या की राजधानी नैरोबी के कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर में नैवेद्यम और अन्य भोग प्रसाद बनाएंगे। ज्ञात हो तिरुपति बालाजी की तर्ज पर स्थापित इस मंदिर में तिरुपति की तरह ही शारदीय नवरात्रि के अवसर पर वेंकटेश्वर नवरात्रि ब्रह्मोत्सव आयोजित होता है। इसको लेकर आचार्य कुणाल किशोर ने बताया कि श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी संबाश्रेव राव ने पत्र भेजकर अनुरोध किया था। उस पत्र में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों की तरफ से मंदिर में आयोजित हो रहे ब्रह्मोत्सव के दौरान नैवेद्यम और प्रसाद बनाने के लिए श्रेष्ठादी की सेवाएं लेने का अनुरोध किया गया था। कटिहार के गोगाबिल झील का बनेगा तैलचित्र। कटिहार में स्थित पक्षी अभयारण्य गोगाबिल झील की सुंदरता अब तैलचित्र में उकेरी जाएगी। यह काम फाइन आर्ट के महारथी कलाकार संदीप को दिया गया है। बताते चले कि बिहार की राजनीति और प्रशासनिक महकमे से जुड़े कई दिग्गजों की तस्वीर महज 5 से 10 मिनट में अपने पेंसिल से कैनवास में उकेर कर संदीप पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब ये झील की सुंदरता को तैलचित्र के माध्यम से सुसज्जित करेंगे। बताते चले कि गोगाबिल झील कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। यह झील एक और गंगा नदी तो दूसरी तरफ महानंदा नदी से घिरा सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। यहां करीब 73.78 एकड़ सरकारी जमीन पर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार ने जताई आपत्ति तो विपक्ष ने उठाए सवाल। नीति आयोग ने हाल ही में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत एडीजी इंडेक्स 2021 में बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया था और उसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। इसको लेकर ही आयोग ने बिहार की बदहाल हो रही स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अब इसको लेकर नीतीश सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। इस बीच अब नीति आयोग की तरफ से जिला अस्पतालों को लेकर एक रिपोर्ट और जारी की गई है, जिसमें बिहार में 1 लाख की आबादी पर जिले में केवल 6 बेड होने की कही गई है, जबकि देश में औसतन 24 बेड है। इसको लेकर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री ने किया है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है। वहीं विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय झा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार निचले पायदान पर रहता है, ये चिंता की बात है। बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा। बिहार में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नालंदा जिले में स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में कई घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई सड़कें और गलियां भी जलजमाव के कारण समस्या का सामना कर रही है। जलजमाव को लेकर लोगों ने NH-20 को जाम कर दिया। ऐसे में दोनों लेन में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। मौके पर पहुंचे BDO ने लोगों को जल निकास की समस्या से निदान का आश्वासन दिया। उसके बाद लोग शांत हुए। बता दें कि शनिवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने CM नीतीश पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें मिट्टी से भरे बोरे में बनी पगडंडी से चलकर पार करना पड़ा। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने अधिकारियों को राहत के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उत्तर प्रदेश में ताकत झोंकेगी जदयू। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं। उसको लेकर जदयू ने भी तैयारी तेज कर ली है। इसके साथ ही अगले साल होने वाली यूपी चुनाव को लेकर जदयू भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने कहा कि जदयू भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेगी। जल्द ही दोनों दल मिलकर ठोस फैसले लेंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों को बढ़ावा देकर और उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन का काम कर रही है। इसका परिणाम है कि एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किए गए सर्वे में बिहार में बेरोजगारी का दर 3.5% घटने की बात कही गई है। यह बिहार के लिए सुखद संदेश है। चुराकुट में
चुनाव चिन्ह जब्त मामले में सीएम और पशुपति पारस पर लगाए आरोप। चुनाव आयोग के द्वारा लोजपा के चुनाव चिन्ह को जब्त किए जाने के बाद चिराग गुट ने बड़ा आरोप लगाया है। चिराग गुट ने इस मामले में लोजपा पारस गुट के प्रमुख पशुपति पारस पर आरोप लगाए हैं। इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के वाजपेयी ने कहा कि साजिश के तहत लोजपा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बातों को बिना सुने ये फैसला लिया गया है, यह हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। डॉक्टर्स डायलॉग में तेजस्वी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया बदहाल। बीते दिन प्रदेश राजद कार्यालय में राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित डॉक्टर्स डायलॉग विद तेजस्वी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपना बयान जारी किया गया, जिसके तहत उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार के पास एक साल का समय था, लेकिन सरकार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। राज्य में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या काफी कम रही। बिहार में डॉक्टरों और नर्सों के कई पद खाली हैं। महामारी के समय भी उन पदों पर बहाली नहीं की गई। सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे का कुछ अता पता नहीं चला है। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना काल के दौरान राज्य चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से किए गए कार्यों की सराहना की। पशुपति पारस 8 अक्टूबर के लिए राज्यपाल समेत सर्वदलीय नेताओं को देंगे न्योता। आगामी 8 अक्टूबर को लोजपा के संस्थापक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पहले ही पुण्यतिथि मनाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने राज्यपाल के साथ ही सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके कार्यों को देखते हुए पटना में लोजपा कार्यालय को रामविलास पासवान के स्मारक और उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। वहीं इस दौरान उनके लिए भारत रत्न की भी मांग की गई। राजद ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की कर दी घोषणा। बिहार विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के लिए एनडीए के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसका ऐलान बीते दिन राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया, जिसके मुताबिक कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और तारापुर से अरुण कुमार शाह उम्मीदवार होंगे। हालांकि मुद्दा यहां छिड़ा है कि महागठबंधन में होने के बावजूद भी राजद की तरफ से दोनों ही सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जिससे सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कांग्रेस नाराज हो गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए खासकर एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसके आधार पर वो अभी अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती थी, मगर राजद के ऐलान के बाद कांग्रेस खेमे में भी विधानसभा उपचुनाव के लिए अलग से प्रत्याशी खड़े करने की बात हो सकती है। तेज प्रताप यादव को भाजपा ने दी सलाह। राजद पार्टी के अंदर की कलह को अब इशारों में ही राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उजागर कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के दल इस घटना को लेकर तरह तरह के बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे। दरअसल शनिवार को तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मेरे पिता को बंधक बनाने का काम उन लोगों ने किया है जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। इस बयान को देने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार ने बीते दिन कहा कि उन्हें खास सलाह की जरूरत है। अपने पिता के पारिवारिक कैद से छुटकारा के लिए उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव से आग्रह है कि वो सरकार को आवेदन दे। सरकार के यहाँ कानून और प्रावधान है। उनके पिता को सरकार पारिवारिक कैद से रिहाई दिलाने में सक्षम है। एनडीए सरकार में सभी को न्याय मिलता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत ने 1974 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रणभेदी नीति का प्रतिरोध करने के लिए वहां जाकर डेविस कप में भाग लेने से इनकार कर दिया था। भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला उनका संबोधन था। भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की यात्रा के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड ने 2011 को वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता किया था, जिसे आयकर विभाग के बीच सहयोग बढ़ने और स्विस बैंक में भारतीयों के खाते का पता लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल का जन्म 1927 में हुआ। भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का निधन 1968 में आज के दिन हुआ। आज के दिन को विश्व पशु कल्याण दिवस और राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गूगल ड्राइव से डिलीट हो गई फाइल को रिस्टोर करने के लिए फॉलो करें आसान प्रोसेस। आज आपको हम एक ऐसे खास ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप डिलीट हुई फाइल को आसानी से रिस्टोर कर पाएंगे। जिसके तहत डिलीट फाइलों को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले गूगल ड्राइव ऐप में जाएं, अब ट्रस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, जहां आपको वो फाइल मिलेगी जो डिलीट हो चुकी है। इनमें से आप उस फाइल को चुनें जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं, जिसके बाद डिलीट हुई फाइल रिस्टोर हो जाएगी। वर्ल्ड कप 2021 में गेंदबाजी को लेकर किया खुलासा। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप 2021 अभियान के लिए भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कई पूर्व दिग्गजों का भी मानना है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में हार्दिक पांड्या भारत की जीत में अहम रोल निभा सकते हैं। हालांकि यहां पर चिंता का विषय यह है कि कमर के ऑपरेशन के बाद से वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर अब हार्दिक पांड्या ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और जल्द ही गेंदबाजी करूंगा। हालांकि इससे पहले मुंबई इंडियंस टीम के मुख्य कोच महेला
जयवर्धने ने भी कहा था कि अगर हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। के पिता ने दुनिया को कहा अलविदा। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार वो बीते कई समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद 85 साल की उम्र में राधाकांत बाजपेयी का इलाज के दौरान निधन हो गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी को जैसे ही इस बात की सूचना मिली वो तुरंत ही केरल में शूटिंग छोड़ दिल्ली पहुंचे। मनोज को अपने पिता से गहरा लगाव था, जिसकी पुष्टि श्री के निर्देशक अविनाश दास ने अपने ट्विटर हैंडल से की है। अगले 3 महीने में सुविधा केंद्र की होगी शुरुआत। सर्वोदय ग्राम ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने मुजफ्फरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी उत्पाद के लिए मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का केंद्र बनेगा। कन्हौली स्थित खादी और ग्रामोद्योग संघ के परिसर में 3 महीने में सामान्य सुविधा केंद्र चालू हो जाएगा। यह केंद्र स्वतंत्रता सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू के नाम से जाना जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि करीब 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां पर खादी के कपड़ों की धुलाई, छपाई और रंगाई होगी। वहीं गौशाला रोड के PNTA चौक पर मार्च 2022 में खादी मॉल खुल जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर के अलावा भागलपुर और पूर्णिया में खादी मॉल खुलेंगे। 3 एकड़ भूमि पर खुलने वाले खादी मॉल के लिए पूर्व में 12 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,780 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,940 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,500 रुपए था। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 95.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय प्रदीप, अरविंद कुमार, अमलेश कुमार, मनीष मोहरा, चंदन सैनी, सुलेंद्र कुमार, खान सर UPSC, नुन्नू कुमार, रविन्द्र पासवान, बाबूलाल मरांडी, मिथिलेश पंडित, शंकर मुखिया, रवि कुमार, सुभाष कुमार, उमाकांत चौधरी, रोहित कुमार, प्रमोद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।